स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं जी, इस तरह से कि हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है जी? पेरीमीटर कहते हैं क्लोज्ड जो शेप है उसकी ऑल साइड्स का सम, ठीक है, ऑल साइड्स का सम। तो ये हमारे पास होता है, जबकि एरिया जो होता है वो उसकी जो दो डायमेंशंस होती हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमेंशंस, उनका प्रोडक्ट होता है। मतलब कि मैं यूं बात कर सकता हूँ कि लेंथ, और अगर एक साइड को मैं लेंथ ले रहा हूँ और दूसरी फिर ब्रेथ होगी, ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशन जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इसे हम कहेंगे एरिया। अब चूंकि अगर हम देखें तो हमारी जो फिगर रेक्टेंगल है, इसलिए हम इसमें लेंथ और ब्रेथ ही लेंगे, यानी इसको मजीद 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि ट्राइंगल के केस में हम इसे 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है जी? हमने लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, ठीक है। लेंथ को अगर मैं एक्स कह रहा हूँ तो ब्रेथ जो होगी हमारी वो क्या आ जाएगी? फिर वाई अगर हो, ठीक है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास, फर्ज करें पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, चूंकि हमें कोई ये रिलेशन नहीं बताया गया कि लेंथ ब्रेथ से कितने टाइम बिगर है, यानी लॉन्गर है ये कह सकते हैं हम, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। हम एक बस एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये जी हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये इस तरह से। इसके कॉर्नर एंगल 90 के होते हैं ये आप जानते हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। मतलब कि अगर ये ब्रेथ है, ये वाई है, तो ये भी क्या होगी जी? वाई होगी। और अगर ये लेंथ एक्स है तो ये भी क्या होगी जी? ये एक्स ही होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो इसका पेरीमीटर बनेगा जो कि 20 सेंटीमीटर है, मैं पी फॉर पेरीमीटर लिख रहा हूँ जी, यहाँ पर वो क्या बनेगा? एक्स, और एक्स ये 2 है, 2 साइड्स हो जाएंगी, ये 2x आ जाएगा, जबकि जो इसकी ब्रेथ है y, और ये y, ये 2y आ जाएगा। दोनों ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इन्हें, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना है जी? 20 है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। इसके यूनिट भी मैं साथ साथ लिखूंगा। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है जी, x प्लस वाई आ जाएगा। और यहां से अगर मैं 2 से बोथ साइड पर डिवाइड कर दूं तो यहां से 2 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 2 2, 10 टाइम 20, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स प्लस वाई आएगा वो कितना आ जाएगा? वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने यहां से वाई फाइंड करना हो तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा? वाई इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस एक्स के, ठीक है। मतलब अब मैं चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं इसमें एक वेरिएबल लाना चाह रहा हूँ, मैं दो नहीं लाना चाह रहा, इसलिए मैंने वाई को सब्सिट्यूट कर लिया, यानी वाई की रिप्लेसमेंट कर दी एक्स के साथ। अब जहां पे वाई आएगा उसकी जगह क्या आएगा जी? एक्स। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन बताई गई है वो क्या बताई गई है? कि एरिया जो है, एरिया जो जिसे मैं ए से जाहिर कर रहा हूँ वो होती है लेंथ, मतलब एक्स जिसको मैं लेंथ कहा था मैंने, ठीक है, और जो ब्रेथ है चूंकि आपस में रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे जी? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट लिया गया इनका हमने। एरिया कितना है जी? एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पर 24 आ जाएगा, ठीक है, एक्स एज इट इज, और वाई की जगह ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 जो है सब्सिट्यूट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगी? 10 माइनस एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x, और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, और 10x को भी, यानी तमाम टर्म्स को एक साइड पे लिखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स बेसिकली मैंने बोथ साइड पे ऐड किया, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसी तरह -10x अगर बोथ साइड पे ऐड करें तो यहाँ पर 0x बच जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे -10x आ जाएगा, +24 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखें यहां से अगर हम इस पे हम इसको डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है, मेथड जिसे हम कहते हैं, तो जो आपको इजी लगे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कर लेता हूँ जी। मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी। मिड टर्म ब्रेक करने का असूल आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, यानी हाइएस्ट जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें
24x² पॉजिटिव का चाहिए, जो कि अगर यहां पर मैं -4x और -6x लिखता हूं, तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -6x को -4x से, ठीक है, तो ये 24 प्लस का 24x² आएगा, जो कि इन दो का प्रोडक्ट, और इनको ऐड करने से -10x ही आता है। तो ये हमारे मिड टर्म ब्रेक होंगे। तो अब इसको हम नीट करके लिखते हैं जी, हम लिखेंगे x² -4x -6x +24 0, ठीक है। अब इन दो फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स -4 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म में से भी हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि यही फैक्टर बने हमारे पास। तो अगर हम यहां से -6 कॉमन ले लें, यानी -6, इसलिए कि एक्स पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक है, और ये 24 प्लस माइनस माइनस होता है, 24 6 से डिवाइड होके 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब कॉमन लेने का मतलब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब उसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरफ लेके आ रहे हो। तब यहां से अगर आप देखें तो एक्स माइनस फोर इन दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस फोर यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो यहां से अब अगर हम रियल नंबर की वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि टू रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, मतलब इनके अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखा जाए तो दो में से एक 0 होगा, मतलब एक्स माइनस फोर 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर एक्स माइनस सिक्स 0 के इक्वल हो सकता है। अगर एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और अगर एक्स माइनस सिक्स 0 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, 0 प्लस 6 ये आ जाएगी 6। तो हमारे पास एक्स की ये दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब हम जो हमें एरिया फाइंड करना था, हमने बेसिकली अगर हम अपने क्वेश्चन को दोबारा देखें तो हमने इसमें जो है वो फाइंड करनी थी लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ, अब ब्रेथ जो थी वो वाई थी, ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन अगर हम ऐसा करें, चलें इसको मैं यहां तक कॉपी कर लेता हूँ, अगर हम ऐसा करें कि दोनों वैल्यूज को देख लेते हैं यहाँ पर लिख कर क्या आंसर आता है, ठीक है, दोनों वैल्यूज को देख के लिखते हैं, यहाँ पर हम इसे पुट करते हैं, ये इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन लगाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इन्हें, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमारे पास जो अगर x की वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा 10 - 4, मतलब के 6 6 सेंटीमीटर, चूंकि अगर आप जो है पेरीमीटर को देखें तो वो हमें सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट बता रहा है टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ रहा है। और दूसरी बात कि अगर हम जो है यानी लेंथ और ब्रेथ, यहां से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स आ गया लेंथ, ठीक है, तो ब्रेथ कितनी होगी, ये होगी, ठीक है, मतलब कि शेप जो हमारे पास बनेगी वो फिर कुछ इस तरह से हो सकती है कि लेंथ कम है और ब्रेथ ज्यादा है, मतलब कि लेंथ का मुकाबला ब्रेथ से है, तो ब्रेथ कम है, ब्रेथ ज्यादा है और लेंथ क्या है जी, वो कम है, इस तरह से, ठीक है, मतलब कि आप यूं समझ सकते हैं इस बात को। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसी इक्वेशन में 1 में एक्स की जगह जो है वो 6 पुट कर लें, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो यहाँ पे मैं देन लिख देता हूँ, तो जो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10 - 6, यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं, तो ये 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें यानी दोनों वही रेक्टेंगल बनेंगे। एक दफा हमने उसको इस शेप में बनाया हुआ होगा, सॉरी मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, नहीं, इसकी ब्रेथ कम है और लेंथ ज्यादा है, इस तरह से एक दफा हमने इसको इस तरह से बनाया होगा, इसके मुताबिक और ऊपर वाले के मुताबिक हमने कुछ इस तरह से बनाया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों एक ही रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ से इनका आंसर फाइंड कर लिया है।